गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हम अजम्पशंस कर रहे थे, ठीक है। हम नेक्स्ट अजम्पशंस क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स, क्या आएगा इसमें, इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को बेटा एल से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एम वी एन आर एन। ये एन क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है, ठीक है, एंड इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच कट, ठीक है। तो क्या हो गया, एल इज इक्वल टू एम वी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच कट, ठीक है। एन हमारा कोई भी इंटीजर मल्टीपल रहेगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, वेयर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और एच कट क्या है भाई, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। एच कट की वैल्यू होती है भाई एच अपॉन में 2π। अब हमारे पास आता है थर्ड जो अजम्पशन है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डज नॉट, इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट व्हाइल मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कब रेडिएट करे, इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स ओनली कब करेगा, इफ इट मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। जब देखो, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब वो रेडिएट नहीं करेगा, रेडिएट वो कब करेगा, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट। अब क्या लिख सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा तो वो कुछ अपनी एनर्जी क्या करेगा, रिमूव करेगा। मान लो ये हमारे पास एक लेवल है, ये नेक्स्ट है, ठीक है। अब एनर्जी वो क्या करेगा, लूज करेगा। एक बार ये लिख लो, इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स देन इट लूज या लॉस एनर्जी फॉल इन द न्यूक्लियस सो बोहर टेक अजम्पशंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट। तो इसका मतलब क्या है, बोहर क्या किया था, टेक अजम्पशन दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट। मतलब क्या होगा, अगर ये E1 लेवल है, ये E2 लेवल है, एक हाई लोअर से हायर में जंप करता है ना बेटा, तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब हायर से एक ऑर्बिट से दूसरे में जाएगा तो हायर से लोअर में आता है, इसे बोलते हैं एमिशन। जब इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होता है ना, हायर से लोअर में एमिट आउट होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, कुछ फोटॉन्स रिलीज करता है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में।
तो क्या हो गया, ई टू ग्रेटर देन होता है ई वन से, क्योंकि ये जितने हम ऊपर जाते जाएंगे हाइयर एनर्जी लेवल होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्साइट होता जाएगा, ज्यादा एक्साइट होता जाएगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास ई टू ग्रेटर देन ई वन। इसमें हम और क्या बता सकते हैं बेटा, फर्स्ट है, या फिर इसी का सब पॉइंट करके लिख लो, एज वी गो फ्रॉम लोअर ट्रांजिशन, लोअर ट्रांजिशन स्टेट टू हायर ट्रांजिशन स्टेट, जब हम लोअर से हायर में जाते हैं देन एनर्जी इंक्रीज, ठीक है, देन एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ई टू ग्रेटर देन ई वन। नेक्स्ट क्या है, हेयर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। बेटा क्वांटाइज्ड ये वर्ड का मतलब समझना क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है मतलब फिक्स। कैसे, जैसे दुकान पे पेन लेने जाओगे तो पेन आप ये तो कह नहीं सकते कि मुझे डेढ़ पेन दे दो, ढाई पेन दे दो, ये नहीं कह सकते ना कि एक पेन पूरा दे दो, एक आधा दे दो, फिक्स बताओगे या तो मेरे को दो पेन दो, तीन दो, पांच दो, एक दो, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइज्ड कि फिक्स हो, ठीक है। आप उसको ऐसे ही नहीं ले सकते, ये मेरे को डेढ़ पेन दे दो, ठीक है। चीनी लेने गए उसको आप डेढ़ किलो पाया ऐसे बोल सकते हो कि भाई कितनी दे दो, आधा किलो दे दो, ठीक है। तो वो फिक्स नहीं है, फिक्स अमाउंट में नहीं। तो क्वांटाइज होने के लिए आपको जैसे ये बताना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पेन का ये एग्जांपल दिया कि भाई हम डेढ़ पेन नहीं लेके आते, ढाई पेन नहीं लेके आते, साढ़े तीन पेन नहीं लेके आते, या तो हम दो पेन लेके आते हैं या एक ही पेन लेके आते हैं, या फिर तीन पेन, चार पेन, पांच पेन, मतलब ऐसे फिक्स अमाउंट में लाते हैं ना, तो इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं, हेयर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इन बिटवीन द स्टेट। इसका मतलब वो फिक्स है, या तो वो फर्स्ट शेल में, मतलब वो फर्स्ट स्टेट पे ही रहेगा, या वो नेक्स्ट स्टेट पे ही रहेगा, या उनके बीच में नहीं रहेगा, ठीक है ना, उनके बीच में नहीं रहेगा, ऐसे फिक्स रहेगा वो, ठीक है, कि बिटवीन द स्टेट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर तो हमारे पास वो कैसे जंप कर सकता है, एन वन दो है हमारे पास लेवल, एक एन वन एक एन टू, तो ये वन पे होना चाहिए या फिर टू पे, वन और टू, या फिर वन टू टू भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये है क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट गो फ्रॉम एन इज इक्वल टू वन टू एन इज इक्वल टू टू, दैट इज एन इज इक्वल टू, ये इवन, हाँ क्या लिख देंगे, इवन, और ये किस में हो जाएगा, ई टू में, इवन टू ई टू, एंड इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी, इट गो फ्रॉम ई टू टू ई वन, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखो एनर्जी है, रेडिएट हो रहा है वो, तो एक्साइट हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो रेडिएशन के टाइम पे उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी बेटा, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के टाइम या एब्जॉर्प्शन के टाइम अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसे हम बोलते हैं एमिशन के टाइम उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जब एमिट आउट होगा तब क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, ई बाय में एच कट होती है, ई इज इक्वल टू एच म्यू पड़ा होगा ना,
E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। तो म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या होगी E अपॉन में एच कट। यहाँ पे एनर्जी क्या है, दो लेवल्स की एनर्जी है, दो लेवल्स की एनर्जी है, तो उसे हम बोल सकते हैं E2 माइनस का E1 अपॉन में एच कट। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि E2 E1 हर टाइम फिक्स तो नहीं होगा, इसको हम इनिशियल और फाइनल भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनिशियल और फाइनल भी बोल सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। अगर हमें एनर्जी की बात करनी हो, एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ क्या बोलूं मैं, रेडिएशन इज क्या बताया मैंने, क्वांटाइज्ड है, इज क्वांटाइज्ड, एक सेकेंड, क्वांटाइज्ड है तो क्या है, E इज इक्वल टू एच म्यू होता है, E इज इक्वल टू एच कट इन टू में म्यू। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब नंबर्स आएंगे हमारे पास लेवल्स के, तो एन एच कट म्यू इसे बोल सकती हूँ। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एन एच कट म्यू, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन के लिए आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, इसके लिए क्या होगी भाई, फ्रीक्वेंसी तो वही होती है, क्या हो जाएगी। अब देखो मैंने दो लेवल बताए थे बेटा, इससे यहां पे जा रहा है, ये हमारा E1 लेवल है, ये हमारा E2 लेवल है, तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हायर से लोअर में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एमिशन, ठीक है। यहां पे एक फोटोन एमिट आउट करता है वो, तो एब्जॉर्प्शन के लिए पढ़ रहे हैं, तो अब इसके फ्रीक्वेंसी क्या होगी, म्यू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इंटू में एच कट, E1 माइनस E2, ठीक है, समझ में आया। अब देखो मैंने बताया कि E1 E2 तो हर टाइम फिक्स नहीं होगा, इसको हम लिख लेते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं E इनिशियल माइनस E फाइनल डिवाइडेड बाय एच कट। ये हमारे पास किसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन की। अब जब ऑब्जर्व करेंगे तो एनर्जी सबको पता है किस में होती है भाई, जूल में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, न्यूमेरिकली अगर हमें यूज़ करनी पड़ेगी, हर्ट्ज होती है। अच्छा लैम्डा की यूनिट क्या होती है भाई, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हमारा डिस्टेंस या वेवलेंथ होता है, जितना वो कवर करेगा, तो इसकी यूनिट कोई लेंथ कोई डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक वेव नंबर पढ़ते हैं, इसमें एक टर्म पढ़ेंगे वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर को ऐसे बार करके दिखा देते हैं, ये इनवर्स ऑफ लैम्डा होता है, इनवर्स ऑफ लैम्डा होता है, तो यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, जो भी हम इसमें लेंगे। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में देखो रिलेशन क्या है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ई इज इक्वल टू एच कट, एन एच कट म्यू है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, जिस उसकी इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी उसके पास। तो बेटा आज के लेक्चर में आप इतना ही करना एक बार, ठीक है, नेक्स्ट हम इसके आगे का आगे करेंगे। अभी हमें इसके क्या है, किस वेलोसिटी से वो मूव करेगा वो निकालनी है, ठीक है, कितनी उसका किसकी वैल्यू, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या निकलेगा उसका, एनर्जी की वैल्यू हमारी वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में कितनी आएंगी, ये सब हमें अभी फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।